हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमारे घर में रात को चावल बच जाता है, हम सोचते हैं इस चावल का क्या करें। इसी बचा हुआ चावल से आज मैं बहुत अच्छा सा रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए। चलते हैं रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है जो कि रात का बचा हुआ चावल है। इसे मैंने एक बाउल में डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और चावल को अच्छे से भिगाएंगे। इसमें मैंने एक कप जितना सूजी डाला है, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और एक कप दही। दही, सूजी और चावल को अच्छे से मिलाएंगे। सूजी जो होता है वो पानी में जाने से थोड़ा सा फूल जाता है, इसीलिए अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जो चावल का गुठली होता है वो ना रहे, अच्छे से मिलाकर हम इसे भिगा के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से चावल को हमने दही के साथ में मिला लिया है। अब एक ढक्कन से ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद देखिए सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुका है। हम इसे एक मिक्सी जार में पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए तो ऐड करेंगे और एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। डोसा बैटर जैसा होता है वैसे ही ये बैटर भी होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल बिल्कुल बारीक हमने पीसा है इसको। तो अब हम इस बैटर में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और बेकिंग सोडा है ये आधा चम्मच से भी कम, क्योंकि हम इसको इंस्टेंट बना रहे हैं इसीलिए हम सोडा डाल रहे हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अच्छा से एक बैटर को हम फेंट लेंगे। अब हमने एक पैन को हीट कर लिया है, इसको अच्छे से पोंछ के इसमें बैटर को डालेंगे और हल्का हाथों से इसको फैलाएंगे। इसे बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, पतला बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर स्पॉन्जी डोसा बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा थिक रख रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से जालीदार। अब हम इसको नीचे से जब अच्छा से सिक जाएगा तब जाके हम इसको पलटेंगे और हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं करेंगे वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये डोसा बनकर तैयार होगा। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों का भी रात को चावल बच जाता है या कभी भी बच जाता है तो इस तरीके का रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए। दूसरा एक और बना कर दिखा रही हूँ मैं। फिर से पैन में मैंने डोसा बैटर डाल दिया है और इसको हल्का हाथों से फैला देंगे। ये डोसा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी रहता है, सॉफ्ट रहता है, खाने में बहुत अच्छा रहता है। आप चाहे तो इसको चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर कोई भी करी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें मैं है ना ढक्कन से ढक के आपको दिखा रही हूँ। इसको हम चाहे तो 2-3 मिनट के लिए ढक सकते हैं, ढक के इसको बाद में हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्जी डोसा बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे मैं चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी है। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी रहता है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।